सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंश आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं डिफेंस टॉक के एक नए एपिसोड में, जहां पर हम आप सबके लिए रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स लेके आते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एमका की तरफ से है। डिफेंस सोर्सेज के मुताबिक डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अभी प्राइवेट फर्म्स को एमका प्रोजेक्ट की टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर्स, प्रोटोटाइप्स और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाने वाला है। और स्पेशली एमका के लिए अभी तमिलनाडु में एक स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को भी खोला जाने वाला है। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी अभी एमका की डिटेल ड्राइंग्स और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले प्राइवेट फर्म्स के साथ शेयर करने वाली है। एडीए की तरफ से पहले ही रिक्वेस्ट फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को इशू किया जा चुका है, जिसके अंदर एमका के दो टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर्स और उसके बाद प्रोटोटाइप्स बनाए जाने वाले हैं। एमका की स्ट्रक्चर में भारी मात्रा में कार्बन कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाने वाला है, ताकि इसके रडार क्रॉस सेक्शन को कम किया जा सके। शेड्यूल के मुताबिक एडीए के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के 3 से 3.5 साल के बाद एमका की पहली टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर को बनाया जाएगा और 4 साल के अंदर दूसरी टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर को बनाया जाने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल के अंदर ही एमका की टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया जाएगा। तो अभी के हिसाब से 2025 तक एमका की पहली टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट की जा सकती है और उसके बाद इसकी प्रोटोटाइप्स और सीरीज प्रोडक्शन शुरू की जाएगी और ये इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट होते होते 2030 तक का वक्त लगने वाला है। दोस्तों, कल एक न्यूज आया था जिसमें कहा गया था कि एमका की प्रोडक्शन और डेवलपमेंट जो है वो 2030 के बाद से शुरू की जाएगी और वो एक फेक न्यूज था, जो कि मैंने आपको कल ही बता दिया था। एमकेयू लिमिटेड और थेल्स अभी 2 MOUs को साइन कर चुके हैं, जिसके अंदर वो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तौर पर ऑप्टोनिक डिवाइस और F90 क्लोज क्वार्टर बैटल राइफल्स को मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। बोथ राइफल और ऑप्टोनिक डिवाइस को एमकेयू के कानपुर बेस्ड फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर किया जाएगा और इन प्रोडक्ट्स को इंडियन आर्म फोर्सेज के साथ साथ होमलैंड सिक्योरिटी फोर्सेज को भी ऑफर किया जाएगा। इसके साथ ही दोनों ही कंपनीज अभी एक और असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को ओपन करने वाले हैं, जहां पर F90 राइफल की कार्बाइन वेरिएंट को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। एक कॉम्बैट प्रूवन राइफल है जिसे पहले ही ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्सेस इस्तेमाल करती है और ये बहुत ही हल्का होने के साथ साथ बैलेंस्ड और एक्यूरेट भी है। एमक्यू के MD का कहना है कि राइफल हमारे आर्म फोर्सेस के सारे रिक्वायरमेंट को पूरा करने की क्षमता रखता है। अगला अपडेट NSG कमांडोज की तरफ से है। होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि अब जम्मू एंड कश्मीर में एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में NSG कमांडोज को इन्वॉल्व किया जाने वाला है। आतंकवादी आमतौर पर सिविलियन के कवर ले लेते हैं या फिर उनके घर में जाके छुप जाते हैं और इस तरह के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए स्पेशली NSG कमांडोज को ट्रेनिंग दी जाती है। ये प्रपोजल पहले ही दिया जा चुका था, लेकिन काफी दिनों से ये पेंडिंग पड़ा हुआ था, लेकिन 28 स्पेशल कॉम्पोजिट ग्रुप के इनॉग्रेशन के वक्त राजनाथ सिंह ने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। सोर्सेज के मुताबिक NSG कमांडोज अभी आर्मी की स्पेशल काउंटर इंसर्जेंसी टीम, राष्ट्रीय राइफल्स और CRPF के जवानों के साथ मिलकर इन ऑपरेशन को अंजाम देने वाले हैं। अगला अपडेट साब की तरफ से है। स्वीडिश डिफेंस ग्रुप साब ने कहा है कि वो अभी इंडिया में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस को ऑफर किया जाएगा। पहले ही इंडियन गवर्नमेंट ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के लिए ऑर्डर निकाला हुआ है। साब ग्रुप की तरफ से कहा गया है कि वो अभी 110 इंडियन कंपनीज के साथ टच में हैं, जिनके साथ मिलकर वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं। ये डील लगभग 10 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है और गवर्नमेंट अभी अपनी पुराने रशियन ओरिजिन इक्विपमेंट को रिप्लेस करना चाहता है। अभी कम से कम 5000 मिसाइल और 1200 लॉन्चर को खरीदा जाने वाला है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की ट्रायल 2012 से शुरू की गई थी और उम्मीद है कि 2018 में इस डील को फाइनल कर लिया जाएगा। अगला अपडेट DRDO की तरफ से है। डिफेंस एक्सपो 2018 में DRDO की इक्विपमेंट में से LCA तेजस, अर्जुन मेन बैटल टैंक और निर्भय मिसाइल मेन अट्रैक्शन बनने वाले हैं। इसके साथ ही DRDO के तरफ से अर्जुन आर्मर्ड रिकवरी और रिपेयर व्हीकल, T-72 ट्रॉल, T-72 ब्रिगेड लेयर टैंक, व्हील्ड आर्मर प्लेटफॉर्म, मोबाइल सर्वेलेंस सिस्टम और ATAGs को भी डिस्प्ले किया जाने वाला है और अप्रैल 11 से अप्रैल 14 तक इन सब का लाइव डेमोंस्ट्रेशन भी दिया जाने वाला है। अगला अपडेट भी डिफेंस एक्सपो की तरफ से है। ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक डिफेंस एक्सपो 2018 के दौरान इंडियन नेवी की शिप्स को चेन्नई पोर्ट पर डॉक किया जाएगा और 13 से 15 अप्रैल तक हमारे सिटीजन्स को इन शिप्स पर जाने दिया जाएगा।
इन शिप्स पर सिटीजन को सुबह के 8 बजे से शाम के 5 बजे तक विजिट करने का टाइम दिया गया है। जो भी इन शिप्स पर जाना चाहते हैं उन्हें आइलैंड एग्जीबिशन ग्राउंड में इकट्ठा होना पड़ेगा और वहां से उन्हें 50-50 की ग्रुप में शिप्स पर जाने दिया जाएगा। 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों को शिप्स पर जाने नहीं दिया जाएगा और जो भी शिप्स पर जाना चाहते हैं वो अपनी वैलिड आईडी प्रूफ के साथ साथ एक फोटोकॉपी जरूर ले जाइएगा, जो कि सिक्योरिटी चेक के वक्त आपको वहां पर डिपॉजिट करना पड़ेगा। शिप्स में हैंडबैग, कैमरा, स्टिक्स, वाटर बोतल और छाता जैसे चीजों को लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और अगर आपको भी सेल्फी लेने के साथ साथ उसे फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया में पोस्ट करके 10 से 50 लोगों को टैग करने की बीमारी लग चुकी है तो शिप्स पर ऐसी हरकतें मत कीजिएगा, क्योंकि वहां पर फोटो शूट करना अलाउड नहीं है। US-2 एयरक्राफ्ट को मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए जापानीज फर्म ShinMaywa ने महिंद्रा डिफेंस को सिलेक्ट किया है। US-2 एम्फीबियस एयरक्राफ्ट बोथ सिविलियन और मिलिट्री पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इंडियन नेवी भी इस एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहती है। 2 साल पहले ही इंडिया और जापान के बीच 1.65 बिलियन की एक डील को साइन किया गया था, जिसमें एक एम्फीबियस सर्च एंड रेस्क्यू एयरक्राफ्ट को मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाने वाला था। महिंद्रा डिफेंस की तरफ से कहा गया है कि इंडिया और जापान अभी इस एयरक्राफ्ट को इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मॉडिफाई करने के लिए बातचीत कर रहे हैं और जल्द ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन शुरू करने की आशा की जा रही है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।